गुड इवनिंग साथियों, विटकोफॉल इंजेक्शन क्या होता है, किस काम आता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। विटकोफॉल इंजेक्शन खून बढ़ाने की रूप में दिया जाता है। इंडिया की बात करें मतलब पॉपुलर इंजेक्शन में है जो खून बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब इस इंजेक्शन के अंदर होता है विटामिन बी12, फोलिक एसिड और निकोटिनामाइड। अब ये तीनों चीजें आरबीसी बनाने में हेल्प करती है, इसलिए खून बढ़ाने के लिए काफी पॉपुलर इंजेक्शन में से एक है। और इसकी कीमत भी रिलेटिवली ठीक है या कम कह सकते हैं। कीमत इसकी ऐसा है कि जो 10 ml की वायल आती है वो 87 रुपीज की है और FDC फार्मास्यूटिकल द्वारा बेचा जाता है। तो इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है, इसको IM दिया जाता है, मसल्स के अंदर इसका इंजेक्शन दिया जाता है। अब 1 ml में कितना होता है अगर उसकी बात करें तो इसमें निकोटिनामाइड होता है 200 मिलीग्राम पर ml, 1 ml में 200 मिलीग्राम। फोलिक एसिड होता है 15 मिलीग्राम 1 ml में और साइनोकोबालम में जिसको विटामिन बी12 बोलते हैं वो 500 मिलीग्राम होता है। ये तीन चीजें हैं और मैंने स्ट्रेंथ बता दी है। नॉर्मली इसको एक दिन में 1 ml दिया जाता है और जरूरत के हिसाब से इसको इंजेक्शन को दिया जा सकता है, एक एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे करके। अगर इसके उपयोग की बात करें, आप लोग ये पूछोगे किस काम आता है ये इंजेक्शन, तो ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो शरीर में अगर इन विटामिन की कमी के कारण कोई भी समस्या हो रही हो, स्पेशली कि खून कम हो रहा हो, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कमजोरी थकान लग रही है, सांस फूल रही है, उस कंडीशन में ये खून बढ़ाने का काम आएगा। अब ये खून बढ़ाने के लिए जैसे कई बार होता है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों का खून कम हो जाता है, या अच्छा खाना ना मिले तो खून कम हो जाता है, या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या गर्भवती महिलाएं हैं, या कई बार आयरन वगैरह नहीं मिला या बी12 नहीं मिला, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आयरन की कमी के कारण खून कम हुआ होगा तो इस इंजेक्शन से वो नहीं ठीक होगा। विटकोफॉल जो ये इंजेक्शन है ये सिर्फ उसी कंडीशन में खून बढ़ाएगा जब फोलिक एसिड के कारण या विटामिन बी12 के कारण अगर खून की कमी हो रही हो, तभी काम आएगा। और इसमें जो निकोटिनामाइड होता है वो थोड़ा न्यूरल हेल्थ के लिए भी है, और फोलिक एसिड भी न्यूरल हेल्थ के काम में आते हैं, और साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन बी12 भी जो नसों में दर्द होता है, नसों में जो झुंझुनाहट होती है उसके काम भी आता है। तो खून बढ़ाने के साथ और नसों की हेल्थ के लिए काम आता है। साइड इफेक्ट वगैरह इसका एज सच कोई ज्यादा नहीं है। एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को, और जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाएगा वहाँ पे दर्द सूजन हो सकती है, वैसे और कोई बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो किस लिए लगाया जाता है, इंजेक्शन किस काम आता है, तो आसान भाषा में समझेंगे एक तो खून बढ़ाने के काम आता है, दूसरा नसों में जो दर्द झुंझुनाहट रहती है उसको ठीक करने के काम आता है, या शरीर में किसी की विटामिन बी12 का लेवल कम हो जाए जांच में आया हो, या किसी का फोलिक एसिड का लेवल जांच में कम आया है तब दिया जाएगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, अगर किसी को बार बार जुकाम वगैरह हो रही है, सर्दी खांसी हो रही है, दूसरे भी इन्फेक्शन लग रहे हैं स्किन में बैक्टीरिया के वायरस के, तो उस कंडीशन में भी उनको बेनिफिट होगा। तो ये खून बढ़ाने की दवा और साथ में ताकत की दवा ऐसा कह सकते हैं ये इंजेक्शन है। सेफ्टी की बात करें तो ज्यादातर मरीजों को लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर किडनी या गर्भवती महिलाएं हैं, या ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के पहले शरीर कमजोर है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, उन सब में लगाया जा सकता है, कोई बहुत सेफ्टी का इशू नहीं है। तो ये विटकोफॉल इंजेक्शन एक जो पॉपुलर इंजेक्शन है खून बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आसान भाषा में जानकारी थी। ऐसे लोग जो इसके बारे में जानना चाह रहे थे इस इंजेक्शन के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।